तो सब कुछ आपको एक एक करके दिखाते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसका प्राइस क्या है, इसको हमने बुक कहाँ से किया, सारा डिटेल आपको बता देंगे। जी हाँ, खाई है तो संभल के यहाँ तैरना है। तो सामने लगा है जी बोन फायर और इधर हम लोग बैठे हुए देख सकते हैं, क्रियान सोया हुआ है। अच्छा है, यहाँ जो है प्लेइंग एरिया भी है बच्चों का। यहाँ से आगे हम लोग जी, यहाँ इन्फिनिटी पूल है और सबसे मेन जो है जी पैसा वसूल। क्या कहेंगे चश्मा कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए व्लॉग में। तो फिलहाल हम लोग आ गए हैं जी बाहर थोड़ा सा घूमने के लिए शाम के समय में, और अभी जो मौसम है जी काफी अच्छा है और ठंड है, लेकिन ठंड ऐसा भी नहीं है कि बर्दाश्त नहीं कर सके, काफी अच्छी वाली ठंड है। इस ठंड को जो है फील करने में काफी अच्छा लग रहा है। और वहाँ पर दो बच्चे मिल गए, क्रियांश को अपना एक मिल गया पार्टनर। One hour later. तो आ गए हैं जी हम नीचे, और नीचे आ गए हैं स्विमिंग पूल के पास। तो देख सकते हैं यहाँ पर है इन्फिनिटी पूल, तो यहाँ पर जाकर के जाते हैं, थोड़ा सा नहाते हैं और मजे लेते हैं। तो हम आ गए हैं ये स्विमिंग पूल में और देख सकते हैं जी यहाँ से नजारा ऐसा लग रहा है कि ठीक स्विमिंग पूल के उस पर खाई है। जी हाँ, खाई है तो संभल के यहाँ तैरना है। सॉरी जी, मजाक कर रहा था, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है माहौल यहाँ पर। ठीक है, बाकी रील पर जो आप देखते हैं ठीक आपको लगता है स्विमिंग पूल के ठीक उस पर खाई है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। असल में होता क्या है, बस एक सेफ्टी दिया जाता है, बस व्यू लेने के लिए कुछ ऐसा रखा जाता है कि आपको लगे कि ठीक स्विमिंग पूल के उस पर खाई है, वैली है, पहाड़ है। Three hours later. तो हम लोग तो जाने वाले थे बोन फायर के पास, लेकिन बारिश इतनी तेज होने लगी, यहाँ का मौसम कुछ ऐसा ही है, पलक झपकते ही बारिश हो जाती है, पलक झपकते ही मौसम ठीक हो जाता है, पलक झपकते ही कुछ अलग मौसम हो जाता है, तो कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पर। तो बोन फायर के पास हम लोग जाने वाले थे लेकिन नहीं गए, जो कि आप देख सकते हैं बोन फायर वहाँ पर चल रहा है अभी तक, देख रहे हैं क्या मस्त लग रहा है वो। तो लेकिन हम लोग जो है वहाँ पर नहीं गए क्योंकि बारिश होने लगी काफी तेज, और हमारा खाना भी आ चुका है, तो खाना चल करके जल्दी से खाते हैं और उसके बाद रात में देखेंगे, अगर मौसम ठीक रहा तो आएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं सुबह आएंगे, सुबह में भी जो है मौसम बड़ा बढ़िया रहेगा। और सनराइज पॉइंट जो है यहाँ से कुछ दूर है, तो सनराइज का तो हम लोग यहाँ से मजा नहीं ले पाएंगे, उसे सुबह यहाँ बाहर निकल करके जो माहौल रहेगा सनराइज का, उसका कुछ तो झलक जरूर यहाँ से दिख जाएगा, तो वो झलक हम लोग जरूर आकर के देखेंगे और सुबह भी स्विमिंग पूल में जो है नहा करके जाएंगे यहाँ से। तो सामने लगा है जी बोन फायर और इधर हम लोग बैठे हुए देख सकते हैं, क्रियान सोया हुआ है। अच्छा है, और इसको यहाँ पर थोड़ा सा हीट भी लग रहा होगा और ठंड भी लग रही होगी, तो दोनों का मिक्स लग रहा है। इसको ठंड नहीं है, बस खाली हवा बह रहा है, दो टॉवेल है, चलिए सही है जी। और यहाँ देख सकते हैं 20 minutes later. ये है हमारा खाना, बटर मसाला है ना, पनीर बटर मसाला, और ये दाल तड़का, और ये रेपति देव, उधर क्रियान सो रहा है, और इधर है तवा रोटी, मतलब नॉर्मल रोटी। The next day. तो जी फिलहाल है हम लोग रागमाया रिसोर्ट में, और यहाँ जो रिसोर्ट है जी यह है मुन्नार के पास में। हमने जब बुक किया था तो हमने सोचा था कि हम तो मुन्नार में ही होटल ले रहे हैं, लेकिन यह होटल जो है मुन्नार से थोड़ा हटके है, कहे तो मुन्नार से थोड़ा अलग है, एक रास्ता आता है और वहाँ से जो एक रास्ता मुन्नार के लिए चले जाता है और एक रास्ता इस होटल की तरफ चले जाता है, यह रास्ता जो उधर ही चला गया। लेकिन जब हम इधर आए तो हमने देखा कि गलती नहीं की हमने बुकिंग करके, बहुत अच्छा किया यहाँ बुकिंग करके, क्योंकि बिल्कुल एकदम अच्छा है, ज्यादा क्राउड नहीं है यहाँ पर मुन्नार में, अच्छा क्राउड भी रहता है, उसे मुन्नार भी हम लोग जाएंगे वहाँ पर। यहाँ पर एक जो है अच्छे से एकदम शांति से मजे से घूम रहे, और क्रियांश यहाँ आ गया, जय क्रियांश, जय बोल रहा है। तो यहाँ जो होटल है जी, इस होटल में हमारा लगभग एक दिन का स्टे हो गया है, और यहाँ पर जो घूमे फिरे काफी अच्छा लगा। आपको बाहर का नजारा सब दिखा देते हैं, पहले सोचे कि हम अच्छे से देख लेते हैं और सबको जान समझ लेते हैं यहाँ का, फिर आपको जो है अच्छे से दिखाएंगे। तो हमने जो है एक रात यहाँ पर गुजारा और अच्छे से एक्सप्लोर किया स्विमिंग पूल और जो भी सब होता है, तो सब कुछ आपको एक एक करके दिखाते हैं। तो ऐसा करते हैं हम चलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं, जिया यहाँ क्रियांश को थोड़ा संभालेगी, हम आपको रूम टूर दे देते हैं। तो फिलहाल हम लोग हैं जी बाहर घूम रहे हैं, और मौसम देख सकते हैं जी क्या मस्त मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल सोच रहे थे कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्रियांश को क्यों बाहर लाए, लेकिन यहाँ जो है इतना तबाही मचाया, इतना तबाही मचाया, हम कहे कि चलो कुछ देर के लिए लेके चलते हैं, लेकिन तुरंत ही अंदर लेकर के इसको फिर चले जाना है। और वैसे भी जी होटल में अब जो है ज्यादा समय बचा हुआ है नहीं, हम लोगों को बचा हुआ सिर्फ 2 घंटा, इसी 2 घंटे में जो है घूम लो, नहा लो, वीडियो शूट कर लो और निकल लो, फिर हम लोग निकल लेंगे मुन्नार की तरफ। अब ये भी मुन्नार ही है एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन पूरा मुन्नार थोड़ा सा हटके है, और अच्छा है जी यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत कम है, तो काफी अच्छा लगा। तो ऐसा करते हैं यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं।
है और यहाँ से हम लोग आपको दिखाएंगे, एक अच्छा सा टूर देंगे आपको, ताकि जो भी यहाँ पे आना चाहे वो आ सकते हैं। बिल्कुल, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। भी डाल देंगे, इसका प्राइस क्या है, इसको हमने बुक कहाँ से किया, सारा डिटेल आपको बता देंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ के टूर की। तो शुरुआत करते हैं जी इस एरिया से। यह जो एरिया है रिसेप्शन के एरिया, यहीं से गेट आती है और पार्किंग स्पेस जो है उस साइड है। तो यहाँ से चलते हैं सीधा उस साइड, और उस साइड का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। उधर का जो व्यू है कुछ ऐसा है। इधर यहाँ से चलते हैं जी ऊपर, और ऊपर में जिया और क्रियांशु है, सीधा वहाँ पर चलते हैं और देख सकते हैं जी कितना हरा भरा है। और देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मैनेज किया गया सब कुछ, एक एक जगह का कहते हैं ना परफेक्ट यूटिलाइजेशन, तो उस तरीके से है। और यहाँ पर ढेर सारे आपको रूम मिल जाएंगे, हमें हर जगह आपको यही दिखेगा, एक रहेगा ग्राउंड फ्लोर एक फर्स्ट फ्लोर। तो ऊपर वाले फ्लोर का जो है ज्यादा चार्ज है, लेकिन मुझे मालूम नहीं क्यों ज्यादा चार्ज है, मुझे तो ज्यादा अच्छा व्यू नीचे से ही लग रहा है। तो हम लोग आ गए हैं इस पार्क में, ठीक है। तो यहाँ पार्क में जो है बैठने का सब कुछ है इंतजाम, और आसपास आपको नारियल का पेड़, खजूर का पेड़, तरह तरह का आपको दिख जाएगा, इलायची का पेड़। तो चलते हैं यहाँ से हम लोग, और यहाँ जो है प्लेइंग एरिया भी है बच्चों का, वहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। तो चलते जाते हैं, और वहाँ देख सकते हैं जी पूल है, तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे, नजदीक से आपको एक व्यू देंगे। इन्फिनिटी पूल से आपको उतना अच्छे से शायद समझ में नहीं आए, वो इन्फिनिटी पूल है। तो यहाँ पर है जी बोन फायर का इलाका। हाँ, तो रात में हम लोग बैठे थे, बहुत मजा आया था यहाँ पर। ज्यादा देर नहीं बैठ पाए थे इसलिए क्योंकि यहाँ पे तुरंत बारिश होती है, तुरंत धूप निकल जाती है। अभी धूप आई थी बहुत अच्छी वाली, तो इसलिए नहीं बैठे क्योंकि क्रियांश को थोड़ी दिक्कत आ जाती, और यहाँ पर तेज हवा चल रही है, तो हो सकता है कि आपको आवाज में थोड़ी दिक्कत आए, तो प्लीज आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, बहुत तेज हवा है यहाँ। यहाँ से आगे हम लोग जी, यह इन्फिनिटी पुल है, इसका व्यू देख सकते हैं जी, बहुत बहुत मस्त है, बहुत जबरदस्त है। यहाँ से हम लोग यहाँ पर रील शूट करेंगे कुछ देर में, देख सकते हैं यहाँ से, वैसे बहुत हम देखते हैं लग रही है। बहुत सारे रील में देखते होंगे कि सामने दिखता है खाई और पीछे स्विमिंग पूल, ऐसा लग रहा है कि स्विमिंग पूल के ठीक उस पर खाई है, तो उसकी क्या रियलिटी है आपको दिखाते हैं अभी चल करके। तो इसके पार साइड में जो है यह है, तो डायरेक्ट खाई नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा एकदम पीछे एक अच्छा सा डैम है, फील आएगा वहाँ से, पुनः जाएगी ना फील आएगा। हाँ, लेकिन देखो अभी धूप आ गई ना। ओहो, धूप आ गई, फोटो अच्छी है। तो भाई साहब अब फोटो अच्छी, सूर्य देवता नजर आ गए, चलिए सूर्य देवता पर, अब इंद्र देवता भारी पड़ गए। चलो तब तक रूम टूर शूट कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, हम लोग चल रहे हैं जी अंदर, और अंदर का आपको रूम दिखाते हैं। तो मेरे पास है जी यह कार्ड, इसका रूम का, तो रूम का कार्ड है यहाँ पर। चलो क्रियांश खोलेगा, क्रियांश खोलेगा, क्रियांश से खुला, क्रियांश ने खोल लिया, क्रियांश इतनी बार खोला है किसको याद हो गया, कैसे खोल गया। तो हम लोग जैसे ही अंदर आते हैं तो देख सकते हैं जी यह है एक बहुत ही बड़ा सा रूम, और इस रूम से जो है सब कुछ ज्वाइंट दिया हुआ है, उधर है बाथरूम, उधर है कबर्ड, और इधर अपना टीवी सब दिया हुआ है, और इसमें छोटा छोटा चीज जो है ना बहुत कुछ दिया हुआ है इसमें, मतलब हम लोगों को किसी बाहरी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये देखिए इतना बड़ा सा कवर्ड दिया है इसमें, इसमें कि हमने कुछ कुछ कपड़े रखे हुए हैं अभी। बिल्कुल, तो दो ट्रॉली है हमारा इसमें रखा हुआ है, और भी एक, और इसके अलावा आपको दिखाता हूँ, छोटा छोटा ही डिटेल है लेकिन बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये केटल दिया हुआ है जो की नॉर्मल होटल में मिल ही जाता है, और यहाँ पानी कॉफी चाय ये सब का सब कुछ दिया हुआ है। अभी आपको थोड़ा सा यहाँ बिखरा बिखरा नजर आ रहा होगा क्योंकि हम लोग जो है यूज कर चुके हैं और एक दिन हो चुका है, और साथ में यहाँ स्लीपर भी दिया हुआ है, तो स्लीपर हमने यूज किया जी नहीं तो यूज भी नहीं किया क्योंकि मैं ज्यादा बाहर नहीं गई क्रियांश को लेकर के, इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आपको जो है रूम का एक बार और अच्छे से दिखाते हैं, और उधर बालकोनी वह दिखाते हैं, इससे पहले आपको हम वॉशरूम दिखा देते हैं, वॉशरूम कितना क्लीन है, और वॉशरूम के बगल में देखिए मिरर, भाई साहब दोनों साइड एकदम तैयार होने के लिए तुम्हारा बहुत अच्छा है। लेकिन टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं यहाँ पर अब तैयार होने का, कल शाम में 4 बजे और चेकआउट हो जाएगा अभी थोड़ी देर। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग चलते हैं अंदर, सब कुछ सही है यहाँ पर। और छोटा छोटा चीज देखिए, ये देखिए ये दिया हुआ है फेस टिश्यू, यह दिया हुआ है नॉर्मल टिश्यू जो होता है, और यहाँ पर एक क्लोज मिरर है, नजदीक से अपना चेहरा देख सकते हैं, कहीं मेकअप छोड़ तो नहीं गया आपका, कहीं कुछ रहा तो नहीं गया है, तो एक एक डिटेल अपना देख सकते हैं। और यह देख सकते हैं इतना बड़ा बाथरूम है, एक बस इतना सब कुछ दे दिया, बस एक जैकुजी दे देता। और बगल में देख सकते हैं पौधा सब भी लगा करके रखा हुआ, तो इसकी वजह से जो है और भी एक व्यू मिल जाता है। और शायद ये खाली है ऊपर से, हाँ खाली है, कोई भी छत नहीं है इसके ऊपर। तो क्रियांश भी आपको दे रहा है टूर अच्छे से, ठीक है। होटल की तरफ से ये सब कुछ दिया हुआ है, ब्रश, साबुन, शैम्पू, लोशन, मतलब सब कुछ दिया हुआ है, जो भी चीज होता है, और साथ में यह ड्रायर भी दिया हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ ड्रायर, और इधर एक कॉल करने के लिए, कॉल करने के लिए। एक चीज थोड़ा गड़बड़ लगा,
कोई भी कॉल आता है रिसेप्शन से इसी में कॉल आता है, क्योंकि वो आपका बेटा है, उसको हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है। नहीं नहीं, उस पर आता ही नहीं था कॉल, इसी पर आता था। देख लिया जी आपने, यहाँ देख सकते हैं, कह रहा हूँ छोटा छोटा ही डिटेल है लेकिन बहुत सही है। यह देखिए यहाँ पर दो लैंप दिया हुआ है आसपास, और बेड भी जो है अच्छा खासा है, जैसा क्रियांश को चाहिए एकदम वैसे ही एकदम। क्रियांश बीच में मजे से सोया था बहुत ही अच्छे से। और चलते हैं जी, इधर भी दो सोफा लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है खाना खाने के लिए। और सबसे मेन जो है जी पैसा वसूल, वो अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, धूप आ गई तो यहाँ सामने से जो आपको व्यू मिलता है ना जी, जबरदस्त सा व्यू मिलता है। खुल गया, इसी चीज के लिए परेशान हो रहा था। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ बाहर, और बाहर से देखिए व्यू जी, देख सकते हैं व्यू, क्या व्यू है भाई साहब, मजा आ गया। और देखिए इधर इधर अपना टेबल सब लगा हुआ है, यहाँ भी अपना खाना और जो भी ड्रिंक सब है सब कुछ ला करके यहाँ पर आराम से खाइए, और नेचर के बीच में जो है एंजॉय करिए। तो यहाँ पर आने से पहले भी सोच रहे थे कि आना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि अभी जो है मानसून का समय है, लेकिन जब यहाँ आए तो लग रहा है मानसून के समय में ही आकर के यहाँ सही किए हैं, क्योंकि सब कुछ एकदम जो भी हरा भरा तो जी पहले से ही रहता है केरला, लेकिन ये कहते हैं लश ग्रीन, तो कुछ उस तरह का है एकदम, और भी हरियाली में जो है चार चांद लग जाता है, तो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के मानसून में। लेकिन एक चीज की संभावना, कुछ बंद हो जाए कभी कुछ हो जाए, लेकिन भगवान की कृपा से, इंद्र देवता की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उतनी बारिश हो ही नहीं रही, एकदम हल्की सी बारिश, एकदम हल्की हल्की बारिश आती है। ऐसा नॉर्थ इंडिया में बारिश हो रहा है उस तरीके से इधर बारिश नहीं हो रही है, मतलब इधर बारिश बंद कभी चालू, जैसे कि अभी धूप आ गई, तो इसी तरह करके रह रहा है, तो मजा आ रहा है। ठीक है, तो दिखा दिया जी आपको यहाँ का टूर, आप लोग बताइएगा कैसा लगा, और हम आपको यहाँ का कॉस्ट बता देते हैं। इसका कॉस्ट हमने दिया था, डील मिला था हमें, हमने बुक किया था agora.com से, तो इसका हमें मिला था 6000 में मिला था, और बाकी सारा जो वेबसाइट था मेक माई ट्रिप हो गया, गो एविबो हो गया, उन सब पर 8000-10000 करके दिखा रहा था, तो हमने ऑफर में बुक कर लिया था। सही है जी, 10000 भी लेता है तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के लिए खराब। स्विमिंग पूल है जी, इन्फिनिटी पूल है, तो सोचा कि यहाँ का तो वीडियो आना ही चाहिए, और हवा इतनी तेज चल रही है कि पूछिए मत। तो चलते हैं सभी लोग अंदर चल करके नहाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं जी स्विमिंग पूल में, और स्विमिंग पूल क्या कहेंगे जी, यह है जी इन्फिनिटी पूल। स्विमिंग पूल का भी एक अलग कैटेगरी है, क्रियांश तो शुरू में डर रहा था, बाद जो एंजॉय करना है, पानी पर पानी डाल दिया, ये कोई नहीं कोई नहीं, अब साफ हो गया क्रियांश, ये देखो हाय हाय बोलो, हाय बोल दो, हाय क्रियांश का चश्मा कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। आपसे भी अच्छा है क्रियांश का, हमसे भी अच्छा है, वाह बहुत बढ़िया, मेरा ही बेटा है, कोई दिक्कत नहीं है। जय 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 बोलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जैसे ही यहाँ पर धूप आती है वीडियो और जबरदस्त हो जाता है, ये देखिए का तो नहाना सब हो गया जी, अब ऐसा करते हैं यहाँ से चलते हैं, मात्र हाफ एन आवर बचे हैं चेक इन के लिए, और ड्रोन सब यहीं पर रखा हुआ था, तो चलते हैं जी। सब जो है ये लोग अभी नाइट है और हम चलते हैं, और इन लोगों ने ही हमारा अच्छा खासा वीडियो शूट कर दिया, फोटो ले लिया।